सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना बीमारी को दूर भगाने के लिए सरकार के आदेशों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की मस्जिदों में ताले लगाए जाने की एडवाइजरी पर हमीरपुर में भी लोग पूरा पालन कर रहे हैं, जिसके चलते जिला की सभी मस्जिदों में तालाबंदी की गई है और लोग अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा कर रहे हैं। कर्फ्यू के चलते हमीरपुर जिला में भी पुलिस के द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिला की सभी 14 मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की जाएगी और मस्जिदों में कर्फ्यू के दौरान ताला लगाया जाएगा। हमीरपुर जिला की शस्त्र, गुरनार, ताल, वन, सुजानपुर, नदौन इत्यादि में मस्जिदों में तालाबंदी कर सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने में लोग अपना सहयोग दे रहे हैं। बुरनार गांव के जीदिन उर्फ पप्पू ने बताया कि कोरोना बीमारी के वायरस के लगाए गए कर्फ्यू के दौरान नियमों का पालन वे कर रहे हैं और अपने घरों में ही रहकर दिन व्यतीत कर रहे हैं। उन्होंने सरकार के मस्जिदों में ताला लगाने के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि जिस दिन से सरकार ने आदेश जारी किए थे उसी दिन से गांव की मस्जिद में ताला लगाया गया है। एक तो घर पर रह रहे हैं, बिल्कुल बिना वजह से बाहर बाजार में नहीं घूम रहे, बिना वजह से बाहर निकल रहे हैं, और मेन ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका बिल्कुल पालन कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं भी। लोग जितना सोशल डिस्टेंस रखें उतना अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों में और उतने सुरक्षित रहेंगे। अभी कुछ 2-3 दिन पहले एक नया फरमान जारी हुआ कि आप लोग जैसे मस्जिद में जाते थे या नमाज पढ़ते थे, तो उस पे क्या लोग क्या कर रहे हैं? जिस दिन से ये फरमान जारी हुआ उसी दिन से हमने अपनी मस्जिद में ताला लगवा दिया है और लोग सब अपने अपने घरों में नमाज पढ़ रहे हैं और उसका बिल्कुल पालन जो है उसका पालन कर रहे हैं। बिल्कुल संदेश देना चाहता हूँ, जितने भी जमाती है और जो भी बाहर से आए हुए हैं वो अपन कृपया करके अपनी बीमारी को न छिपाएं और सीधा अपने जो भी हैं स्वास्थ्य कर्मचारी जो भी हैं उनके साथ मिलें और अपनी इस बीमारी का अगर है तो उसको चेक करवाएं और उसका इलाज करवाएं। और कुछ इन्हीं जो जमाती हैं इन जाहिल लोगों की वजह से ही सारी कौम बदनाम हो रही, इसी वजह से ही मैं ये चाहता हूँ जितने भी सोशल मीडिया पर ऐसे जितने भी अफवाहें झूठी अफवाहें डाल रहे हैं या आ रही हैं उनके ऊपर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की जाए, चाहे कोई भी व्यक्ति है चाहे किसी भी समुदाय से है उसका कोई जो भी ऐसी है ये करता है उसके जो भी कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। वहीं नेक सिंह ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है और कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मस्जिदों को बंद किया गया है और वे अपने घरों में ही रहकर नियमों का पालन कर रहे हैं। अपने पीएम का माने मोदी जी का पूरा आगे का पालन कर रहे हैं कानून का, और जो अपने नमाज थी वो पहले मस्जिद में जाते थे अब घर पे ही तब से नमाज पढ़ रहे हैं, और अपनी मस्जिदों में तो ताले वगैरह लगे हुए हैं अब अपने घर पे ना के बाहर जा रहे हैं। पूरा पालन कर रहे हैं सारी चीज़ों का। बिल्कुल बिल्कुल, और घर में और बिल्कुल बाहर नहीं देख रहे हैं अपने सोशल डिस्टेंसिंग का, अगर कोई सब्जी वगैरह लेने भी जाते हैं तो उसका पूरा पालन कर रहे हैं जी। एक अन्य ग्रामीण ने बताया कि सरकार के आदेशों के बाद मस्जिद में ताला लगाया गया है और अपने अपने घरों में रहकर कोरोना बीमारी से बचने के लिए पूरे नियमों का पालन कर रहे हैं। ये फैसला बहुत बिल्कुल सही है जी, हम अपने इसका पालन कर रहे हैं, हम अपने घर में ही नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद में आकर कोई भी नमाज अदा नहीं कर रहा है। हम इसका पूरा ये कर रहे हैं और जैसे दूरी बना के रह रहे हैं अपने घर पे रह रहे हैं, और अब फसल का काम है वो भी ऐसे लग लग इस तरीके से करेंगे। वहीं एसपी हमीरपुर अजीत सेन ने कहा कि जिला की 14 मस्जिदों को बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला में कर्फ्यू के चलते मंदिरों और मस्जिदों को पूर्णतः बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को हिदायत दी गई है कि नमाज पढ़ने के लिए भी अपने घरों में ही नमाज अदा करें और एक दूसरे से दूरी बनाकर ही नमाज पढ़ें ताकि कोरोना बीमारी को दूर भगाया जा सके। 14 मस्जिदें जो पूरे हमीरपुर भर में हैं वहाँ पे सभी मौलवियों से जो है वहाँ की बात की, हमने जाके चेक भी की है, वहाँ पे सभी मस्जिदों में अभी मौलवी और उनके परिवार के अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात, हमने वहाँ पे उनको दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जिस तरह से अन्य धार्मिक स्थल भी जैसे बंद हैं उसी तरह मस्जिदें भी बंद की गई हैं और रखी जाएंगी बंद, क्योंकि ये भी एक लोगों को इनविटेशन रहता है एक तरह से, लोग सोचते हैं कि शायद ये खुला हुआ है तो हम जाके वहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं, तो ये भी बंद की गई हैं। यहाँ पे मौलवियों को भी हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से लोगों को ना बुलाएं और वो इकट्ठा अगर नमाज उन्हें पढ़नी है तो अपने घरों में अपने परिवारों के साथ अलग अलग होकर पढ़ें, ना कि मस्जिद में आके इकट्ठा होकर।